कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। तो शुरू करते हैं हम अपना आज का ब्लॉग। मैं आज हमारे घर निकला है श्राद्ध, यानी कि जो श्राद्ध चले हुए हैं पितर जी के, तो वही निकाला है मैंने। वो मैं आप लोगों से शेयर करूंगी कि मैं कैसे निकालती हूँ। अगर कोई गलती हो मुझसे तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और ये भी बताइएगा कि आपके यहाँ पर कैसे निकालते हैं आप सब। वैसे कहते हैं ना कि मतलब इन दिनों में अगर आप कुछ भूल भी जाते हैं तो जब अमावस्या आती है उस दिन इकट्ठी निकाल दो तो सारी गलती गलती सब माफ़ हो जाती है, ऐसा कहा जाता है। मेरी मम्मी तो यही बोलती है कि भाई जैसे हम भूल जाते हैं काफ़ी बार, नहीं अच्छे से निकाल पाते हैं, कोई मिस्टेक हो जाती है, तो अमावस्या वाले दिन सारे श्राद्धों के नाम की इकट्ठी रोटी निकाल के छोटी छोटी, मतलब पूरी तो नहीं निकलती, बिल्कुल पतली पतली मांडे टाइप के निकलते हैं, वो निकाल के और गाय को खिला दीजिए या फिर छत पर रख दी जाए, तो कौवे होते हैं जो वो खा लेते हैं, तो सारी गलती वलती माफ़ हो जाती है। बाकी देखो जी आप लोग बताइएगा कैसे होता है। वैसे तो मैंने अपने हिसाब से ठीक ही निकाला है। और चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। और हमारे में बोलते हैं कि पड़वा का निकलता है, पर जैसे शुरू होता है तो जो पहला श्राद्ध है उसी दिन हमारे घर पे श्राद्ध निकलता है, और बीच में भी काफ़ी निकलते हैं, तो वो सब मैं आपको मेरे व्लॉग में दिखाती रहूँगी। साथ दीजिएगा, सपोर्ट कीजिए। तो जी काम मेरा हो चुका है, झाड़ू पोछा वगैरह मैंने अच्छे से कर लिया है, डस्टिंग कर ली है अपनी, गैस वैस साफ़ कर ली है, चिमटा तवा सब कुछ मतलब हो चुका है। उसके बाद अब मैं कर रही हूँ रायते की तैयारी, और मैंने कुकर में चढ़ा दिए थोड़े से चावल। मैं पहले उसको बॉयल करूँगी फिर बाद में खीर बनाऊँगी, तो ऐसे में जल्दी भी बनेगी और अच्छी भी बनेगी। मेरे पास वैसे भी खीर वाले चावल थोड़े अलग हैं, तो वो दो सिटी में ही हो जाते हैं। और मैं साथ के साथ बना रही हूँ बूंदी का रायता, क्योंकि बूंदी का रायता और रोटी खाएंगे, फिर बाद में दोपहर में हम लोग खीर ले लेंगे थोड़ी थोड़ी, या फिर अब खीर खा लेंगे फिर दोपहर में खाना खा लेंगे, ऐसा कुछ करेंगे तो देखते हैं। पर कुछ ना कुछ तो बनाना पड़ेगा खाने के लिए, तो मैंने अभी उसमें बूंदी डाल के रख दी है, जग में सब कुछ डाल दिया है, उसको थोड़ी देर रख दिया है, उसके बाद उसको फिर से फेंटेंगे ताकि बूंदी अच्छे से उसमें घुल जाए अपनी। इसीलिए ये देखिए चावल मेरे हो गए हैं रेडी, इसको मैं पतीले में निकाल के और खीर बनाऊँगी इसकी, फिर और खीर साथ के साथ बनती रहेगी, और मैं चली जाऊंगी माँ जी को नहलाने के लिए, क्योंकि आज माँ जी को नहलाना है, काफ़ी दिनों से नहाई नहीं है वो, 3-4 दिन से, तो आज तो नहाना ही है, इसलिए मैं कर रही हूँ जल्दी जल्दी काम। तो देखिए मैं दूध डाल रही हूँ इसमें, कहते हैं कि मतलब खीर बना लो वरना फिर हम रोटी पे कुछ मीठा रख के भी निकाल सकते हैं, पर इन दिनों में खीर बना ली जाए तो उतना ही अच्छा रहता है, और इसी बहाने में घर पे कुछ मीठा भी बन जाता है। वैसे तो आजकल कोई भी खीर नहीं खाता है, काफ़ी लोग भूले गए होंगे खीर भी कुछ है, सब बाहर के ज़्यादा खाने में लगे रहते हैं, कभी कुछ कभी कुछ। और आप मेरी वीडियो, आटा लगा के रख दूंगी मैं, फिर उसके बाद जाऊंगी माँ जी को नहलाने के लिए। आटा लग गया है, रायता भी रेडी हो गया है, और खीर मेरी बन रही है। तो और जी बोलते हैं कि श्राद्धों में कुछ हमें खास लेना भी नहीं चाहिए, ना ही नए कपड़े, ना ही कुछ घर में नया फर्नीचर या कुछ भी, कुछ लेना नहीं चाहिए है। 15 दिन होते हैं उसके बाद नवरात्रे, नवरात्रों में तो माता रानी के दिन हैं, आप कुछ भी ले सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ पर रक्षित आया था, बोल रहा था मम्मी आटा चाहिए आटा चाहिए, तो मैंने उसको थोड़ा सा दिया है। ये रक्षित के पापा कर रहे थे पूजा, यानी कि वैसे तो पूजा नहीं की है, श्राद्धों में हम करते नहीं हैं, बट ये सूरज को पानी तो दे के ही आए थे, माँ जी बोले कि तो क्या सूरज को भी पानी नहीं देगा, तो इसलिए सूरज को पानी देते हैं रोली मिला के, तो वो देने गए हैं, और साथ के साथ पेड़ पौधों में भी पानी दे आएंगे।
मैं लगा रही हूँ आटा लगा के। तो फ्रेंड्स माँ जी को मैंने नहला दिया है, उसके बाद मैं बना रही हूँ रोटी। निकालनी है क्योंकि आज मुझे, तो इसलिए मैं पहले उनके लिए निकालूँगी फिर हम अपना खाएंगे। तो मैंने पहले ही ये सब चीज़ें साफ़ कर ली थी, बिल्कुल धुले हुए यूज़ करती हूँ जिस दिन श्राद्ध निकालना होता है, क्योंकि धुले धुलाए ही यूज़ करने चाहिए उस दिन, वरना कहते हैं कि पितृदेव या फिर जो भी आपके परिजन हैं जो बड़े हैं वो नाराज हो जाते हैं। तो इसीलिए आप भी धो धा के यूज़ कीजिएगा। तो साथ के साथ मैं दे रही हूँ अब रक्षित के पापा को खाना, और ये मैंने निकाली है लड्डू के लिए खीर।